బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎక్స్‌పైర్ డేట్ ముగిసిందన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. డిసెంబర్ 3 తర్వాత ఏర్పడబోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గాలి వీస్తోందన్నారు. పాలకుర్తిలోని కాంగ్రెస్ విజయభేరి సభకు హాజరైన ప్రియాంక కేసీఆర్ సర్కార్పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. 10 ఏళ్లుగా ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించారని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వమే ప్రశ్నపత్రాలు అమ్ముకుంటే అనేక మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని చెప్పారు. అన్ని వర్గాలను ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసిందన్నారు. ఎన్నికల టైంలో బీఆర్ఎస్ బూటకప్పు మాటలు నమ్మొద్దని సూచించారు. రాష్ట్రంలో మార్పు రావాలంటే కాంగ్రెస్ గెలవాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రియాంక గాంధీ. దేఖియే ఆప్కి జో ధర్తీ హై మహాపురుషో కి ధర్తీ హై ఏక్ తరే సే ఏక్ పవిత్ర ధర్తీ హై యహాన్ ఆకర్ ముజే గర్వ్ బహుత్ హో రహా హై ఖాస్ తౌర్ సే ఇస్లియే కి యహాన్ పే ఏక్ ఆప్కి మహిళా ఉమీద్వార్ హై నౌజవాన్ హై ఔర్ జబ్ భీ మై దేఖ్తీ హూ కి ఏక్ మహిళా ఖడీ హై और उसमें वो नौजवान है, उसमें ऊर्जा है, शक्ति है, तो मुझे बहुत खुशी होती है. लेकिन ये जो हनुमंडला परिवार है, ये अपने आप में एक खास परिवार है, क्योंकि इन्होंने, इस परिवार के हर सदस्य ने आपके लिए काम करके दिखाया है. गरीबों की भलाई के लिए इन्होंने जमीनें दी, स्कूल खोले, लाइब्रेरी खोली, और आप सबको तो मालूम ही है कि एक तरफ इनका परिवार है और दूसरी तरफ बीआरएस के नेता जिन्होंने आपसे जमीन छीनी है. आपका प्रदेश नया प्रदेश है और 10 सालों से आपके प्रदेश में बीआरएस की सरकार है. ये प्रदेश आपकी मेहनत से बना है. आज भी अगर दुनिया में आपकी पहचान है तो ये आपने पहचान बनाई है अपनी मेहनत से, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के युवाओं ने, तकनीकी हुनर से और यहाँ की महिलाओं ने. तो इस प्रदेश की हिफाजत करना, इसे सुरक्षित रखना, इसके लिए सही निर्णय लेना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है. यहाँ पे नौजवान कितने हैं, हाथ उठाओ, बताओ जरा कि इन दस सालों में कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है? नहीं मिली. आपको मालूम है कि आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो ऊंचे प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से है. आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फीस देते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करते हो, पेपर देते हो, पेपर लीक हो जाता है. बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की. एक लड़की ने आत्महत्या की और इस सरकार ने कहा कि उसने फॉर्म ही नहीं भरा था. तो आज तेलंगाना का युवा क्या उम्मीद रख सकता है? मेहनत करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है. तो आगे की उम्मीद क्या रख सकते हैं? आशा क्या हो सकती है नौजवान की? कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां हमने रोजगार दिलवाने की पूरी कोशिश की है. राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा रोजगार दिलवाए हैं और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार को बढ़ाया है. यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं. किस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं. 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं, और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी. छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में, हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम. जैसे मेरी बहनें यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई हैं, मैं आपका दर्द समझती हूँ. मैं भी महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि सब जितना भी समाज का बोझ है आप उठाती हो. आजकल देश भर में बहुत महंगाई है और उस महंगाई का सामना सबसे जो मुश्किलें हैं सबसे ज्यादा आप उनका सामना करती हैं. इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में, और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा. हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी. मेरे किसान भाई, आप भी बहुत दुखों का सामना कर रहे हैं. जिस तरह से आपके कर्ज माफ करने चाहिए थे
वो कर्ज माफ नहीं हुए इस प्रदेश में। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगी है, जो भी खरीदना पड़ता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। सब महंगाई का सामना किसान को करना पड़ रहा है। आपको फसल का सही दाम नहीं मिलता, और जो जमीन की माफिया है, लैंड माफिया, वो आपकी जमीनों पे कब्जा कर रही है और खूब फैल रही है आपके प्रदेश में। अगर हमारी सरकार तेलंगाना में आएगी तो हम फसल का ऋण माफ करेंगे, किसानों को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए। आपको MSP की गारंटी दी जाएगी। आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ सबसे अधिक MSP मिल रही है। धान पर आपको 500 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। अब मेरे साथ बोलो, मारप्पू कवाली, इपुर नादो आनंदी, कांग्रेस रवाली।